डैडी आज हमारे घर में मास्टर जी आने वाले हैं। किसके आ रहे हैं बेटा? मैं कॉलेज में टॉप किया ना डैडी, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए आ रहे हैं घर पे। कितने बजे आ रहे हैं? दोपहर 2 बजे आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। सर कुछ लेंगे आप? कुछ भी मंगा दो। सॉरी किशन। नहीं, वो वाला नहीं, गैस्ट्रिक हो गया ना, इसीलिए थोड़ा नींबू सोडा मिल गया था, बहुत अच्छा था। भाग्यवान सर के लिए नींबू सोडा बना के दो। अभी बना के लाती हूँ। सर बताइए मेरे बेटे के बारे में। अंकल जी क्या बताऊं तुम्हारे बेटे के बारे में, इतना संस्कारी, इतना शांत, इतना सुशील, तुम्हारा बेटा कॉलेज में नंबर वन है। मेरा बेटा है मेरा। शाबाश बेटे शाबाश। आप दोनों को देखकर तो मुझे रोना आ गया। आपका बेटा आपकी सेहत के बारे में मुझे बताया था, आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, आपके 2 किडनियां भी फेल हो गए। शराब कम पिया करें। देखिए आपका बेटा दिन रात मेहनत करके कि पढ़ाई के साथ काम भी करके आप पैसा इकट्ठा करके आपके इलाज में खर्च करता है, आप फिर भी शराब पीते हो। आपकी बुरी हैबिट आपकी बेटी की लाइफ बर्बाद कर देगी। अंकल जी, इस साल की तो कॉलेज की फीस ही नहीं मांगा। आपके बेटे को मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। आपके कारण पैसा नहीं है, बाप बीमार है, बेटा देखा इतना संस्कारी, रात पे काम करके बाप को पाल रहा है, बाप का इलाज भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। ग्रेट है तुम्हारे बेटे को, नसीब करना आप। सर और क्या क्या बताया मेरा बेटा आपको? पापा छोड़ो ना। चुप बैठ पिला ले, बोल तो। अजीब बदतमीज पापा है आप। आपका बेटा आपको इतना कुछ किया है, आप उसी को डांट रहे हैं। अबे सड़े हुए बैगन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं 100 साल तक जी सकता हूँ, और मैं शराब भी नहीं पीता, और मेरे दोनों किडनी ठीक है। तो तुझे उल्लू बनाया है। मतलब आपका बेटा मुझसे झूठ बोला? अंकल जी मुझे मालूम नहीं, शबा मेरी कॉलेज में 2 लाख फीस जमा कर दीजिए। आपका बेटा फेल हो गया है। ऐसा बेशरम बाप बेशरम बेटा। अबे निकल, पहले फुर्सत से निकल यहाँ से। भाग्यवान ठंडा ठंडा नींबू सोडा। मत दे इसे जूस। सॉरी पापा, गलती से मुंह से निकल गया पापा। अब मैं तेरी किडनियां फेल करूंगा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।